वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे टाटा नेक्सॉन के साथ। हम लोग जा रहे हैं इंदौर, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। और आज मैं आपको पूरी टाटा नेक्सॉन की परफॉर्मेंस, माइलेज और फुल लोडेड गाड़ी में दिखाऊंगा कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितना सामान ले जा रहे हैं हम, और गाड़ी फुल्ली लोडेड होगी। अभी हमें भी नहीं पता कि पूरा सामान आ पाएगा कि नहीं, तो चलिए पहले मैं आपको सामान चेक दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, एक ये बड़ा बैग है, एक ये छोटा बैग है, एक ये बड़ा है, फिर एक वो बड़ा है ऊपर, ये सब कोट वोट का सामान है। यहाँ ये दो छोटे बैग हैं और पीछे भी कोट का सामान है और ये छोटा मोटा सामान है। तो ओवरऑल इतना सारा सामान है, अब पता नहीं गाड़ी में फिट होगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। दोनों बैग रखने के लिए हमने पार्सल ट्रे निकाल दी है। पीछे तीनों बैग रखने के बाद दोस्तों हमने एक सीट फोल्ड कर दी है ताकि हम और सामान रख सकें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारा सामान आ चुका है, और यहाँ पे दो जनों के बैठने की जगह छूटी है और हमने सीट के नीचे भी सामान रख दिया है। दोस्तों पीछे के हाल देख सकते हैं आप, पूरी भरी हुई है। तो गाइज हम लोग फास्ट ट्रैक भी लगवा लेते हैं क्योंकि रास्ते में लगेगा ये, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का एवरेज हम लोग निकालेंगे सिटी और स्पोर्ट्स मोड पे। तो पहले हम सिटी पे चलाएंगे और फिर स्पोर्ट्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिप ए रीसेट कर लिया है ताकि टोटल किलोमीटर्स और एवरेज निकाल सकें। तो दोस्तों गाड़ी चलाने में बहुत ही स्मूथ चल रही है और बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा है। अब हम गुजर रहे हैं पॉलीटेक्निक चौराहे से, और इतने ट्रैफिक में सिटी मोड में गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं हो रहा है। अब हम गुजर रहे हैं वीआईपी रोड से। दोस्तों अब हम क्रॉस कर रहे हैं बैरागढ़, जिसके बाद भोपाल इंदौर हाईवे शुरू हो जाएगा। दोस्तों अभी हम रुके हैं, अभी हमारी गाड़ी चढ़ी 15.8 किलोमीटर और 15 का एवरेज दिखा रही है। अब हम करेंगे इसको स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब चलिए देखते हैं अब कितना देती है। चलिए अब हमने ड्राइविंग सीट चेंज कर ली है, अब दिया जी चलाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे। चलिए चलते हैं आगे।
हम लोग पहुंच गए अपने पहले टोल पर और यहाँ पे चार्ज होगा आपको 29 रुपीस। तो दोस्तों, हाई स्पीड पे गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और आप लोग देख सकते हैं इतनी हाई स्पीड पर गाड़ी बहुत ही स्मूथली रन हो रही है और इतने सामान का कोई भी लैग महसूस नहीं हो रहा है। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दोस्तों और इतनी स्पीड पे भी गाड़ी की ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। अब हम पहुंच गए अपने दूसरे टोल पर और यहां पे आपको 36 रुपीस चार्ज होगा। रिपेयर का काम चालू होने के कारण यहाँ पे एक लेन बंद कर दी है। टाटा नेक्सॉन का ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिसमें आप चलती गाड़ी में बैक कैमरा ऑन करके आप पीछे की गाड़ियों का मूवमेंट इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे ट्रीट डोडी, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट पॉइंट है। यहाँ के पोहे बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। जब भी आप इंदौर भोपाल के बीच में ट्रैवल करें, हाईवे ट्रीट डोडी के पोहे ज़रूर ट्राई करें। टाटा नेक्सॉन की हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है दोस्तों और हाई स्पीड पे भी स्मूथ टर्न ले लेती है। दोस्तों, अभी गाड़ी चली है 107 किलोमीटर
और एवरेज दिखा रही है 15.2 किलोमीटर्स का। भोपाल इंदौर हाईवे का डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर्स है और ये बहुत ही सुंदर हाईवे है। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सोनकच्छ। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं श्री दिगंबर जैन तीर्थ जो कि सोनकच्छ में है। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे टोल पर और यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा 69 रुपीस। टाटा नेक्सॉन की कर्व पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों और स्टीयरिंग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं देवास और अभी 159 किलोमीटर से 15.2 का एवरेज दे रही है। चलिए चलते हैं वहाँ। टाटा नेक्सॉन का इंजन बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स देता है दोस्तों और गाड़ी इजीली हाई स्पीड पे पहुंच जाती है और आप देख सकते हैं कितनी स्टेबल है गाड़ी। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे टोल पर और यहां पे आपको चार्ज होगा 10 रुपीस। तो दोस्तों अब हम इंदौर सिटी में एंटर करने के लिए हाईवे छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी है स्पोर्ट्स मोड और अब हम कर दे रहे हैं इसको। सिटी मोड पे अब हम गुजर रहे हैं इंदौर जीपीओ के सामने से।
तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर और गाड़ी ने एवरेज दिया है 15.4 का 207 किलोमीटर्स पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है तो देखिए आगे इम्प्रूव होता है कि नहीं। और गाड़ी का परफॉर्मेंस और हैंडलिंग बहुत ही अच्छा था दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया चला के। तो चलिए इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और टाटा नेक्सॉन पे वीडियोस लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।